नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। बीती 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हमारे देश में सड़क सुरक्षा हफ्ता मनाया गया, यानी कि रोड सेफ्टी वीक। लेकिन ये प्रोग्राम, ये रिपोर्ट हम आपको इसके बारे में ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या हुआ, बल्कि हम एक एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये जो रोड सेफ्टी हफ्ते हमारे देश में हर साल मनाए जाते हैं, इनका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं। तो पहले शुरू करते हैं कि इस बार इस हफ्ते में सरकार ने क्या क्या किया। हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में एक बड़ा समागम किया। वहाँ पर ये बताया कि हमने क्या क्या अब तक किया हमारी सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर और क्या हम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट था 50% मौतों को कम करना भारतीय सड़कों पर, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं, अब 2020 तक करेंगे। शायद भूल गए कि मई में उनकी सरकार जो है उसका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, उसके बाद कौन आएगा पता नहीं। लेकिन इसके अलावा जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर पूरे देश के अंदर ट्रैफिक पुलिस द्वारा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक छोटे छोटे प्रोग्राम करवाए जाते हैं हर साल। इस बार भी हुए, ट्रक यूनियंस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्लोगन कॉम्पिटिशन होते हैं और आई चेकअप कैंप्स भी कई जगह लगाए जाते हैं अच्छी यूनियंस के द्वारा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के द्वारा। तो इस तरह के प्रोग्राम इस बार भी हुए, बैनर्स लग जाते हैं कुछ और नहीं तो, और कई जगह चंदा भी ले लिया जाता है ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि हमें सड़क सुरक्षा हफ्ता मनाना है तो चंदा दीजिए। तो इस तरह के काम इस बार भी हुए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी प्रचार इसको लेकर हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो सड़क सुरक्षा हफ्ते मनाए जाते हैं इससे क्या निकलता है, तो जैसे वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या तो पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो हम भी ये जान लेते हैं कुछ डेटा की मदद से कि क्या फ़ायदा इसमें से हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो इस बार मनाया गया सड़क सुरक्षा हफ्ता, ये 30th कहने का मतलब 30 साल हो गए हमारे देश में ये रोड सेफ्टी वीक मनाते हुए, तो एक अच्छा टाइम है इस पर एनालिसिस करने का। तो 30 साल का डेटा तो हमारे पास नहीं था और वो बहुत लंबा हो जाता इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन अगर हम पिछले 10 साल ले लें, जिसके अंदर मौजूदा सरकार भी आ जाएगी और उससे पहले की जो यूपीए सरकार थी उसका भी कार्यकाल आ जाता है, तो अगर 2007 से 2017 तक का हम डेटा लें, क्योंकि 2018 का भी डेटा पूरी तरह से कंपाइल नहीं हुआ है, तो 2007 से 2017 तक देख लेते हैं कि इन सड़क सुरक्षा हफ्तों का कितना फर्क पड़ा। 2007 में जो सड़क हादसों में मरने वाले लोग थे वो थे 1,15,000। जी हाँ, 1,15,000 हर साल, माफ कीजिए, 2007 में डेथ हुई थी सड़क हादसों की वजह से, जो 2017 में सड़क सुरक्षा हफ्तों के बावजूद बढ़कर हो गए 1,48,000 मौतें। 1,48,000 मौतें हुई 2017 में सिर्फ, और ये है 30% की वृद्धि। तो ये है वो तगमा जो सभी अधिकारियों को, सभी एजेंसीज को मिलना चाहिए, 30% की जो बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद ये देख लेते हैं कि इस सरकार ने क्या किया। आकर गडकरी जी का जो वादा था कि हम 50% कम कर देंगे इन मौतों को, तो 2013 में इनके आने से पहले 1,37,423 मौतें हुई थी उस साल। जी हाँ, 1,37,423, जो 2017 में बढ़कर 1,48,000 हो गई, जो कि 7.5% की वृद्धि है। एक जगह बात हो रही थी 50% कम करने की, लेकिन मौतें बढ़ गई 7.5%। इसके अलावा सिर्फ मौतें ही नहीं होती हैं सड़क हादसों के अंदर, इंजरीज भी होती हैं, लोग अपंग हो जाते हैं, फटड़ हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो वो लगभग 5,00,000 के करीब है वो आंकड़ा। जी हाँ, वो पहले भी 5,00,000 के आसपास था, अभी 5,00,000 के आसपास है, ज़्यादा उसमें ना कमी हुई ना बढ़ोतरी हुई। आप देखिए, जैसे हमने बीते दिनों एक खबर दी थी कि एक ड्राइवर भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो 11 साल से बिस्तर पर लेटा हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो ये 5,00,000 जो बंदा इंजर हो रहा है हर साल, उसमें कितने ऐसे केस होंगे जो मरने से भी बदतर है, किसी की लात टूट गई, किसी की बाजू टूट गई, या कोई बेड रिडन हो गया, वो कमाई नहीं कर सकते हैं, उल्टा अपने घर वालों पर और एक बोझ बढ़ गया। तो कितना नुकसान हो रहा है सड़क सुरक्षा ना होने के कारण। और हम मना रहे हैं सड़क हफ्ते, जहां पर मंत्री जी आते हैं, जिला स्तर पर आते हैं एमएलए, और फिर काजू बर्फी के साथ चाय पी जाती है और बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, और ऐसे सड़क सुरक्षा हफ्ता मनाया जाता है।
इसके बाद बात कर लेते हैं कि नितिन गडकरी जी एक हमेशा कहते हैं कि दो बड़े कारण वो बताते हैं कि एक तो ब्लैक स्पॉट्स हैं हमारी सड़कों के ऊपर, ऐसे मोड़ होते हैं, ऐसी सड़कें होती हैं जो गलत तरीके से बनी हैं, उसको सुधार लेंगे और उससे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर लिया है, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि 30% लाइसेंस बोगस है। वो हमेशा कहते हैं, 5 साल हो गए कहते हुए, अभी भी 30% के आंकड़े पर भी वो खड़े हैं। इसके लिए भी वो कुछ कर नहीं सके हैं। तो दोनों कारण ज्यों के त्यों हैं। और जी हाँ, सड़क सुरक्षा हफ्ते जरूर मन रहे हैं। तो इसके बाद इस रिपोर्ट में बात कर लेते हैं कि तो क्या करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अवेयरनेस मत कीजिए स्कूलों कॉलेजों में या ऐसे फंक्शन ना किए जाएं, बिल्कुल किए जाएं, लेकिन ये भी समझना होगा कि इससे कुछ असर हो नहीं रहा है। तो कुछ और क्या कर सकते हैं, तो जो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ये है हमारे हिसाब से कि जो ड्राइवर ट्रेनिंग है उसमें से पहले भ्रष्टाचार साइड में किया जाए। ड्राइवर ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल ज़रूरी कर देनी चाहिए, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस है, चाहे वो हैवी का लाइसेंस है, कोई भी लाइसेंस हो, और उसके अंदर फर्स्ट एड के कोर्स पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। कहने का मतलब, कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में 2 जने होते हैं, एक जना ज़्यादा सीरियस होता है और एक ठीक होता है, लेकिन ठीक वाले को ये नहीं पता होता कि मैं इसको कैसे ज़्यादा नुकसान से बचा सकता हूँ, फर्स्ट एड के रूप में मैं क्या कर सकता हूँ ताकि 1 घंटा 2 घंटा ये इसकी डेथ ना हो जाए या खून ज़्यादा ना बह जाए, इतनी देर में कोई ना कोई हेल्प आ जाती है। ये किसी को नहीं पता होता, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे भी नहीं पता है। तो पहले तो ये कंपलसरी करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि ये जो ड्राइवर ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जब वो पूरा कर ले अपना कोर्स और लाइसेंस बना ले, तो नॉर्मल लाइसेंस बनाने पर 10,000 रुपया और हैवी लाइसेंस बनाने पर कम से कम 30,000 रुपया सरकार को उसको इनाम देना चाहिए, क्योंकि उसने कम से कम एफर्ट किया है, मेहनत की है, टेस्ट क्लियर किया है, ट्रेनिंग ली है, ना सिर्फ अपने आप को सेफ किया है बल्कि सड़कों को और सड़कों पर चलने वाले अन्य लोगों को भी सेफ्टी सेफ किया है, तो उसे इनाम मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में एक हैवी लाइसेंस बनाने के लिए 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक खर्चा हो रहा है, इसी वजह से ये मौतों का ये भी एक बड़ा कारण है। तो अगर हम फ्री ट्रेनिंग कर दें, लेकिन ट्रेनिंग कंपलसरी कर दें और साथ में लाइसेंस बनाने पर इंसेंटिव दें, खर्चा फीस तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत से जो ड्राइवर जो बनेंगे नए वो सारे ट्रेनिंग के साथ बनेंगे और वो ऑब्वियसली गाड़ी सेफ चलाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और करनी चाहिए कि अगर हमारे देश में आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुँच सकता है, जंगलों में भी हमारा इंटरनेट का कनेक्शन चल सकता है, तो 15 मिनट में कहीं भी एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पहुंच सकती। जी हाँ, क्योंकि एक सर्वे कहता है कि ज़्यादातर जो मौतें होती हैं वो इस वजह से हो जाती हैं कि गोल्डन आवर होता है, एक्सीडेंट होने के बाद का जो 1 घंटा है उसे बोलते हैं गोल्डन आवर। उस गोल्डन आवर में हमारे देश में उस व्यक्ति तक कोई भी मेडिकल जो सुविधा है वो पहुँचती नहीं है, जो अगर पहुँच जाए तो उसकी जान बचने के चांसेस जो हैं वो 70-80% हो जाते हैं। तो अगर इसी को टारगेट बना ले, अगर रोड सेफ्टी का सारा पैसा जो वीक का छोड़कर उसको एम्बुलेंसेस पर लगा दिया जाए कि 15 मिनट में देश के हर कोने में एम्बुलेंस पहुंचेगी, तो एक्सीडेंट तो होंगे लेकिन एक्सीडेंट में जानों को बहुत बचाया जा सकता है। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, हमें कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि जो सड़क सुरक्षा है ये बेहद ज़रूरी है। कैंसर से, एड्स से, टेररिज्म से, टीबी से हमारे देश में इतनी जानें नहीं जा रही हैं हर रोज़ जितनी लगभग 500 के आसपास जो जानें हैं वो रोड से, जो सड़क हादसों के अंदर जा रही हैं। तो सबसे पहले हम खुद सतर्क हो जाएं, सरकार की या किसी संस्था की वेट ना करें, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारे देश में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों में से जो मरते हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले लोग होते हैं। तो कहने का मतलब, हादसे में सिर्फ जान नहीं जाती बल्कि जो पिछला परिवार होता है वो भी गरीबी में चला जाता है। तो ये बेहद संगीन एक मुद्दा है जिसको सभी को सीरियसली लेना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। हमारी कोशिश है कि ऐसे ही सार्थक मुद्दों के साथ हम आपके सामने आते रहें। फेसबुक पर हमारा पेज जरूर लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।